ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ଅଭିଯାନ, ଶହୀଦ ବୀର ବୀରାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଅଭିଯାନ। ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଅମର ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 103ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏପରି ଖାସ୍ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶହୀଦ ବୀର ବୀରଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାଲେଖା ସ୍ଥାପନ ସହ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ 7500ଟି କଳସରେ ମାଟି ଏବଂ ଗଛ ଚାରା ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମୋରିଆଲ ନିକଟରେ ରଖାଯିବ। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଶୀରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦେଶରୁ ଲୁଣ୍ଠନ ହୋଇଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ କଳାକୃତି ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं, यही भारत की खासियत है। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समेत बहु वरिष्ठ नेता अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को मन की बात कार्यक्रम देखिछन्ते। राज्यर विभिन्न स्थानरे मध्य मन की बात कार्यक्रम देखिछन्ते नेता एवं जनता। मन की बात कार्यक्रम देशवासी को प्रेरणा जोगाइबा सहित देशर युव पीढ़ी पर सूचना प्राप्तिर माध्यम हो पारिथिबा कहिछन्ते केन्द्र मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ऐसे कार्यक्रमों से देश को जानकारी मिले, वो मन की बात का कार्यक्रम है। मुझे भी आज अवसर मिला अमृतसर में, इस हिंदुस्तान बस्ती में, सबके बीच में, पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मध्य ये मन की बात देखने का। आप भी सब यहाँ साक्षी बने। स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण एवं परिवेश प्रति सचेतनता वृद्धि पाई जातीय स्तर रे एकाधिक कार्यक्रम जारी रहिबा सत्वे प्राकृतिक विपर्यर मुकाबला पाई समस्त देशवासी प्रयास जरूरी बोली कहते प्रधानमंत्री। वर्षा ऋतु में देशर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा, बन्या, भूस्खलन समस्या सृष्टि कर लोकं सतर्क रहिबाकु परामर्श देते पीएम मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।